दोस्तों, अगर आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो ये किताब मेरी ज़रूर खरीदें। इसकी कीमत मात्र $1 है, यानी 73 रुपीज़। और इसको ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। इसकी सेल से जो पैसा आएगा वो गरीबों में बांटा जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी। दोस्तों, हमें अपने जीवन में दूसरे लोगों की बहुत मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। दूसरा, हेल्प करने से हमें ही जो संतुष्टि मिलती है और किसी काम में नहीं मिलेगी। कभी कभी हम अपने आप को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के पास वो भी नहीं होता है जो हमारे पास है। दोस्तों, एक किस्सा आपसे शेयर करता हूँ मैं। एक शिक्षक और शिष्य, गुरु चेला, दोनों टहलने निकले थे तो एक खेत के पास से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मजदूर वहाँ काम कर रहा है और उसने अपने जूते बाहर उतारे हुए हैं। तो जो शिष्य था उसको एक मजाक सूझा, उसने बोला, गुरुजी मैं इसके जूते छुपा देता हूँ और ये बाहर निकलेगा तो ये घबरा जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो उनके शिक्षक ने बोला, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करो इनके दोनों जूतों में कुछ सिक्के डाल दो, फिर देखो क्या होता है। शिष्य ने ऐसा ही किया, उसने दोनों जूतों में कुछ सिक्के डाल दिए और वो दोनों झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी देर के बाद मजदूर आया, उसने जूते में पैर डाला तो उसे कुछ कठोर चीज़ लगी, तो उसने देखा, निकाल कर तो कुछ सिक्के मिले और देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। दूसरे जूते में जब पैर डाला तो और सिक्के मिले, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखकर बोला, हे भगवान, आपने मेरे लिए ये मदद भेजी है, आज मेरी बीमार बीवी के लिए दवा भी आ जाएगी और मेरे भूखे बच्चों को खाना भी मिल जाएगा। ये बोलकर उसने सिक्के अपनी जेब में डाल के जूते पहनकर चला गया। तो शिक्षक ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हारा वो मजाक ज़्यादा संतुष्टि देता या ये जो आपने भला किया वो ज़्यादा देता? शिष्य खामोश हो गया और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं मान गया कि हमें मदद करने से, दूसरों की मदद करने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, हमें खुशी मिलती है और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद किसी के काफ़ी काम आ सकती है। हो सकता है 50 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन 50 रुपये किसी के लिए 2 वक्त खाना खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए, जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, दक्षिणा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं ज़रूरतमंदों की, वो करनी चाहिए। ये जीवन में हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि देंगी, सेटिस्फेक्शन देंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको और किस तरीके की वीडियो पसंद है। मैं उस तरीके की वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।